वेलकम टू माई चैनल। आज के वीडियो में बात कर रहे हैं टिनोरमीन टैबलेट, ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है और इसकी डोज़ क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। चलिए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। टिनोरमीन जो टैबलेट है, तो आप देख सकते हैं ये 50 मिलीग्राम यानी mg ये टैबलेट है। तो इसकी प्राइस की बात करें, देखें 217 रुपीज़ इसकी प्राइस है इसकी डब्बी की। तो ये बहुत अच्छी टैबलेट है, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इसके अंदर 25 mg की भी आती है तो 100 mg की भी आती है। आप जो भी मर्ज़ी मार्केट में लेना चाहें मिल जाएगी आपको आसानी से। तो इसका फार्मूला, इसकी कंपोजिशन, इसका जो साल्ट है वो देखें, एटिनोलोल। तो इस फार्मूले में और भी बहुत सारी टैबलेट आती है मार्केट में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली, सबसे ज़्यादा मशहूर जो कंपनी है, यही टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। तो ये इसके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। आगे चलते हैं, इसके यूज़ की बात करें तो ये हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड अप हो जाता है, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, बाज़ लोग ना परहेज़ नहीं करते बिल्कुल भी, यानी कि अगर नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चिकन इस्तेमाल करते हैं या फिर बीफ इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई भी तरह का जो गोश्त मीट खाते हैं, उसके वजह से भी बीपी बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, या फिर चावल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, राइस बहुत खाते हैं, इसकी वजह से बीपी शूट कर जाता है। तो उसको नॉर्मल करने के लिए, उसको मुनासिब करने के लिए अगर इस मेडिसिन को इस्तेमाल कराया जाता है, और इसके साथ साथ हाइपरटेंशन या फिर एंजाइना, इस तरह के मसाइल के अंदर भी इस टैबलेट को इस्तेमाल कराए थे। इसके अंदर एक इंजेक्शन भी आता है इसका, टिनोरमिन का, तो वो भी इसके लिए इस्तेमाल कराए थे ख़ासतौर पे, या फिर हार्ट अटैक हो उसके लिए भी उस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कोई ख़ास नहीं है, अगर आपको स्टमक का प्रॉब्लम है तो वो मसला बन सकता है। इसके साथ साथ अगर आप इसके एलर्जिक है ऐसी मेडिसिन से, यानी कि आप बीपी की मेडिसिन से एलर्जिक है, आप उसको इस्तेमाल ना करें। अगर इस तरह के कोई ख़ास मसला नहीं है तो उम्मीद करता हूँ, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो इसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो अच्छी टैबलेट है, अच्छा इसका रिज़ल्ट है, मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर आपको इस नाम से नहीं मिल रही तो फिर आप एटिनोलोल, इसका साल्ट जो इसकी कंपोजिशन है, आप इस नाम से भी मार्केट में दूसरे ब्रांड ले सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद ही होगी। खुश रहें, आबाद रहें।